जनाब और मैडम ने एक साथ एक ही दिन दो व्लॉग डाले। कहाँ तो 9 दिन पहले नई शुरुआत के नाम से व्लॉग आया था जिसमें कि वो बताने की कोशिश कर रहे थे अब जो बिजनेस आ रहा है उसको हम रिवील करेंगे और ये ही अपने व्लॉग में रिवील करेगी। और कहाँ आजकल जो रोज ही एक के बाद एक व्लॉग आ रहे हैं। आप सब समझ गए होंगे ये व्लॉग एक साथ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अब आ रहा है इनका बिजनेस। तो अभी ने व्यूवर्स को अट्रैक्ट करना, व्यूवर्स को नहीं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। भाई अपने व्यूवर्स ही तो अपने कस्टमर हैं। मुझ में देखो वो दुआएं भी देते हैं, वो आपको वोट भी देते हैं, वो आपको व्यूज भी देते हैं, जिससे कि इतना सारा पैसा आ रहा है कि आज की डेट में आप बिजनेस करने लायक हुए हो। तो अब भाई आप भी बिजनेस को भी चला दीजिए, ये भी ठीक रहा जो ना सब अपने व्यूवर्स के सर पे फोड़ दीजिए, उन्हीं को अब चलाना है ये बिजनेस। अच्छा एक बात नोट करने वाली है इस ब्लॉग में, स्टार्टिंग में जनाब जो है ये बताते हैं कि भाई मैं जो है ब्लॉग नहीं डाल पाया और क्यों नहीं डाल पाया ऐसे ही, और एक कारण और बताते हैं कि अम्मी की शुगर बहुत बढ़ गई थी और वो 2.5 दिन जो हॉस्पिटलाइज हुई थी। क्या ये 2.5 दिन की बात आपको डब्बा के व्लॉग में पता लगी, यानी कि जो उसकी माँ है जिससे वो हर समय कंटेंट निकालती है, रात दिन जबरदस्ती सलाम करवाती है सब लोगों को, जो ये कह देता है ना कि उमराव जान चलो अब शुरू करो, ऐसा तो उसने सलाम को करने के लिए कर दिया है। लेकिन भाई जो इतना ज्यादा ख्याल रखती थी अम्मी का पापा का, और जो भाई और भाभी ख्याल नहीं रख पाते थे उस सबको हाईलाइट करना भी तो उसी का काम होता था, तो अब कैसे भूल गई और क्यों करके उसको कैच नहीं किया इस इवेंट को। हाँ हॉस्पिटल जाना इनके लिए तो इवेंट है ना, मौका है इस बात को और एक ऐसा टाइटल लगाने का। अब देखिए टाइटल लगाया कि घर का सामान बेचना पड़ा, और अब उसके ऊपर जब भर भर के कमेंट लोगों ने किए कि ये क्या मतलब तुम टाइटल लगा रहे हो, घर का सामान बेचना पड़ा, एक टीवी बेचने के लिए तुमने घर का सामान बेचना पड़ा और टाइटल डाल दिया, ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है। क्या आपने ही मतलब बिजनेस से इतनी पनाह मांग गए हो कि आज की डेट में घर का सामान बेचने का टाइटल डाल रहे हो। डब्बा ने उसका ठीकरा भी जो है ना लोगों के ऊपर सर पे फोड़ दिया, कहती है कि लोग बाग पता नहीं कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं और लोगों ने उससे क्या समझ लिया। भाई क्यों नहीं समझेंगे लोग, ये लोग तो समझेंगे जब तुम ये डालोगे कि घर का सामान बेचना पड़ा। तुम ये कह सकते थे कि टीवी बेचना है, टीवी हमारे लिए हुआ बेकार, अब हम बेचने को तैयार, ऐसा टाइटल भी डाल सकते थे आप। उसमें कहीं से भी आपकी गरीबी, आपकी मुफलसी, आपकी परेशानी ये सब नहीं झलकती, लेकिन जब आप टाइटल ये डालोगे कि घर का सामान बेचना पड़ा, अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी के जिंदगी में भी आए। लेकिन डब्बा जी पूछ के देखिए उन लोगों से जिनकी नौकरी चली गई, जिनके काम बंद हो गए कोरोना के वक्त पर या जैसे भी, और उनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि वो अपने ठीक से खाने का इंतजाम भी ना कर सकें और बच्चों को पढ़ाना और बाकी चीज़ें पूरी करना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई थी। पता नहीं कितने लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, अपना सामान, अपनी ज्वेलरी या अपनी गाड़ी, ये सब चीज़ें जो भी उनकी असेट्स थी वो कोई ना कोई उन्होंने बेची होगी। तो क्या तुम्हें इस आसपास इसके दो चार होना पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो भैया तुम्हारी तो हालत ही कुछ और होती। तो जब तुम खुद ही ऐसा टाइटल डालोगे तो फिर लोगों पर कैसे दोष लगा सकते हो? तो लोग तो ये समझेंगे ही। बहुत सारे लोग तो आज की डेट में तुम्हारे व्लॉग देखने बंद कर चुके हैं, डब्बा जी आपके व्लॉग देखने बंद कर चुके हैं। लेकिन अगर उन्हें टाइटल ऐसा मिले कि भी तुम अपने घर का सामान बेच रही हो, ये नौबत आ गई है, तो हो सकता है वो भी वहाँ पर देखने के लिए आ जाए। इसी मकसद से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और किसी भी तरीके से उसको व्यू करें, उसके नंबर ऑफ़ व्यूज़ बढ़ जाएँ, इसीलिए तुम जो उल्टे सीधे क्लिक बैट वाले टाइटल डालते हो। तो इसमें व्यूवर्स की क्या गलती है? कल को वो तुम्हारे घर की बाकी चीज़ों के रेट ना पूछने लगे। जब तुम ऐसे टाइटल डालोगी तो फिर यही होगा ना। हो सकता है तुम्हारे रेस्टोरेंट के सामने रेस्टोरेंट वाला भी पूछने लगे, हाँ जी कितने में दे रहे हो, तब तुमको कैसा लगेगा? तब बुरा लगेगा। अभी तो व्यूवर्स की सिर्फ बातें हैं जो आपको बुरी लग रही हैं, लेकिन कल को ऐसा कोई आया और आके ऐसे बोलने लगा तुमसे, चाहे वो असली हो या नकली हो, आप बेचना चाहते हो या ना बेचना चाहते हो, लेकिन आके किसी ने यही बात कह दी कि तुम अपने घर का सामान बेच रहे हो, अपना रेस्टोरेंट बेच रहे हो क्या, तब तुम्हें असली पता लगेगा इस बात का क्या मतलब है जो तुमने अपने ब्लॉग में टाइटल डाल दिया। तो भाई इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, इन्हें किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, इनको व्यूज़ आने चाहिए, इनको पैसा आना चाहिए, और इस सब में किसी की फीलिंग का इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बात मैं हाईलाइट कर रहा था कि इनकी मम्मी जो है हॉस्पिटलाइज हुई तो वो किसी ने नोट नहीं दिया, जनाब ने भी दबी जुबान में थोड़ा सा कह के निकल लिए। इस बार व्लॉग भी नहीं बनाया जाते हुए आते हुए हॉस्पिटल में रहते हुए। क्या जनाब इस बार जो है अम्मी को भी किसी और के भरोसे छोड़ दिया था क्या?
चलिए अब बात करते हैं मैडम और जनाब के जो ब्लॉग आए हैं अलग अलग उसकी। ये ब्लॉग ऐसा है कि एक ब्लॉग दूसरे की पूर्ति करता है, दूसरा ब्लॉग पहले की पूर्ति करता है। एक ही इंसिडेंट को अलग अलग तरीके से ब्रेक करके दोनों ने शूट कर लिया। मैडम ने दिखाई शॉपिंग, जो शॉपिंग करने के लिए बाहर गई, पहले इंट्रोडक्शन दिया कि कौन उनका फोटोग्राफर होने वाला है और कौन फोटो शूट करने वाला है। तीन तीन मॉडल ली हैं और वो कहाँ पर शूट करेंगे इस बात के लिए जनाब को भेज दिया, अंकित को भेज दिया और अभिषेक को भेज दिया। यानी कि जनाब की पूरी टीम पहुंच गई है किसके साथ में, राजवीर के साथ में, लोकेशन देखने के लिए, फोटोशूट की लोकेशन देखने के लिए। मतलब की बात यह है कि आप कुछ भी करेंगे वो सारा कुछ आपको प्रॉपरली दिखाएंगे तो नहीं, लेकिन उसका जो आगे पीछे का है यानी BTS जिसे कहते हैं, वो BTS जो आपको दिखाते रहेंगे और इनके व्लॉग बनते रहेंगे। तो एक टीम तो गई लोकेशन देखने के लिए, वहाँ क्या कलर टच रहेगा, किस तरह की वॉल्स रहेंगी, किस तरह की लाइटिंग रहेंगी, विंडोज किस तरीके की हैं, ये सारी चीज देखने के लिए एक टीम तो निकल गई वहां पर। और जनाब ने अपना पूरा व्लॉग इसी चीज के ऊपर निकाल दिया, हाँ भी ऊपर क्या है, नीचे क्या है, यहाँ पे एक विंडो है, कर्टन्स हैं, कर्टन्स डाल के दिखाओ, ये जो विंडो है ये बंद हो सकती है, नहीं हो सकती है, वॉल का कलर्स जो है क्या रखना चाहते हैं, एंटीक लुक देने के लिए बैकग्राउंड किस तरीके का होगा। फोटोग्राफी में लाइटिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो लाइटिंग कहाँ है, कैसी है, किस तरह की लाइटिंग्स हैं। तो जनाब ने पूरा का पूरा एक BTS में अपना व्लॉग निकाल दिया। अब दूसरी चीज़ होती है वहाँ पर शूटिंग करना, और शूटिंग करने में वो बता ही दिया कि भाई तीन मॉडल आएंगी उनके साथ में शूट होगा। चलिए इस बार जो है डॉन टच मैडम देखने को नहीं मिलेंगी, यानी वो अपने कपड़ों के साथ में खुद वहाँ पर अवतरित होते हुए दिखाई नहीं देंगी। हमें तो लगा था कि डब्बा को भी मॉडल की तरह से उतारेंगे क्योंकि उसके भी बहुत सारे व्यूवर्स हैं और बहुत सारी क्लोथिंग को वो भी एडवर्टाइज करती रहती है, प्रमोट करती रहती है। पर यहाँ अब लगता है मैडम थोड़ा सा प्रोफेशनल काम करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने मॉडल्स को एंगेज किया है उसके लिए। तो बाकी का काम जो है मैडम ने कर दिया। मैडम ने क्या काम किया, मैडम मार्केट गई, मार्केट मीन्स मॉल गई, उनका एक ही मॉल है ओबराय, ओबराय मॉल गई, वहाँ पर जाके जो एक्सेसरीज होती हैं यानी कि जो मॉडल को और सारी चीज़ें आपको देनी है, वो चाहे वो शू वियर्स हो या फिर उनकी एक्सेसरीज यानी कि उनकी ज्वेलरीज हो, इसके अलावा तरह तरह की बैंगल्स और इस टाइप की चीज़ें होगी, यानी कि पूरी तरीके से जो बाकी चीज़ें होती हैं कपड़ों के अलावा, जिससे कि आप उस कपड़ों के कलर के साथ में मैच करके उसको चार चांद लगा सकें, वो काम करने के लिए मैडम गई हैं। तो देखा जाए तो जनाब की जो पूरी टीम है ना, फोटोग्राफर से लेकर और जो दोनों इनके एडिटर हैं और जो पुराने ड्राइवर थे संतोष जी, सबको मिलाकर एक टीम जो है अब काम पर लग गई है। अब देखो भाई ये सारी प्रिपरेशन तो चल रही है, चलिए इन्होंने ड्रेस डिजाइनिंग तो पता नहीं कैसी की है कैसी नहीं की है, वो भी उसमें अपना जो टच था, टच मैडम का जो टच है ना वो बड़ा खतरनाक है, वो टच इन्होंने वहाँ पे रखा है नहीं रखा है, क्योंकि अभी तक भी रिवील नहीं किए हैं कि कैसे कपड़े आने वाले हैं, किस तरह के आने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात रेंज, क्योंकि जब पहली बार मैडम ने बिजनेस किया था तो वहाँ जो क्लोथिंग रेंज उन्होंने डाली थी तो वहाँ पे जो प्राइसिंग थी वो प्राइसिंग जो ना ओवर प्राइसिंग थी, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइसिंग थी। और उस टाइम तो मैडम जो बहुत फेमस थी, या ये कहिए मैडम का जो कैरियर था वो पीक पे था, उस टाइम तो मैडम बहुत ज़्यादा सीरियल्स और इन सब की वजह से फेमस थी और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इवन देन लोगों ने उनकी जो क्लोथिंग रेंज थी उसको हाथों हाथ नहीं लिया, ऐसा नहीं था कि वहां पे उन्होंने मैडम ने कोई गोटा पत्ती यूज करी थी, लेकिन जो जितने भी डिजाइन थे वो सिंपल और जो डेली वियर्स के होते हैं ना उस टाइप के थे सारे। उसके बाद में भी मैडम ने इतना ओवर प्राइसिंग किया था उसको, तो क्या है ना मैडम का टच बहुत इंपॉर्टेंट है, मैडम का टच हो गया था उसमें, मैडम ने बनाया था, मैडम ने उसको हाथ लगाया था, तो इसलिए उसका प्राइस जो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा वैसे भी बताऊं मैं आपके, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो बेसिकली क्लोथिंग रेंज में काम करते हैं या इस तरह की बाकी बिजनेसेस में काम करते हैं, उनका मेन मोटिव जो है ना सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, किसी के लिए खैरात करना, या ये कहिए कि एक अच्छी रेंज देना वहाँ पर कि भाई चलो ये हम दे रहे हैं यहाँ पर, ऐसा मोटिव इनका बिल्कुल भी नहीं होता। हर आदमी जो आया हुआ है वो आया हुआ पैसा कमाने के लिए। दूसरी बात यह है ये इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमारे तो इतने फैन हैं, इतने लोग हैं, तो ये जरूर ये जो प्राइसिंग है ये एक्सेप्ट करेंगे और ये जो रीजनेबल है ये प्राइस
एडवाइस, क्योंकि वो कौन दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो लेबल कोई ऐसा तो नहीं लगा हुआ कि सब्यसाची का लगा हुआ है, ऋतु कुमार का लगा हुआ है, वो लेबल ऐसा तो नहीं लगा हुआ। जो ड्रेस जैसी भी हो उसको लोग बाग देख के कहेंगे वाह कितनी बढ़िया ड्रेस है, कितनी महंगी ड्रेस होगी। तो यह मैडम और जनाब का ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई पहन लेगा तो कितने लोग उसके जानने वाले उसको मिल जाएंगे और कौन सा लेबल वो दिखाएंगे वहां पर कि भाई हम ये उस ब्रांड की चीज लेकर आए हैं। और ये दूसरी तरफ ये व्यूवर्स जितने भी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप कोई भी चीज का सिलेक्शन कीजिए तो वो अपने फायदे नुकसान देखकर, अपनी जरूरतों के हिसाब से देखकर तब उसका सिलेक्शन कीजिए। इस बात के लिए मत कीजिए कि ये देने वाला कौन है तो इसलिए हमें ये लेना ही लेना है, या फिर हमें लेना है तो हम उससे ले लेंगे जो मतलब जो हमारा बहुत ज्यादा अच्छा इन्फ्लुएंसर है। ऐसा अगर आप सोचेंगे, कभी भी सोचेंगे, तो हो सकता है कि आप घाटे में आ जाएं। तो भाई ये चीज़ तो अच्छी तरह समझ लीजिए, ये जो इन्फ्लुएंसर हैं ये आपके फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। ये अगर व्लॉग भी बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उससे इन्हें पैसा मिलता है। आपको एक अपनी बनावटी वाली, एक बहुत बढ़िया सी फंटासी ज़िंदगी किस लिए दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं कि जिससे आप लगातार इनके साथ जुड़े रहें और इनको व्यूज़ आते रहें और इनका पैसा चलता रहे। ना जाने कितने व्लॉगर्स हैं जब उनकी असलियत सामने आती है, उनके लड़ाई झगड़े सामने आते हैं, उनकी बातें सामने आती हैं, तब लोगों को देख के विश्वास नहीं होता कि अरे ये तो वही है जो इतना अच्छा रिलेशन था इनका, और इनको देखकर तो हम खुद हैरान रहते थे और एग्जाम्पल सेट करते थे। ना 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 भाई, इतना दिल मत लगाइए, इतना दिल मत लगाइए, इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रखिए। उनके साथ में इतना जुड़ना हमेशा ही खतरनाक है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरीके से लीजिए। अब देखिए मैडम ने जो है ना यहाँ पे एक ऐप, जो इंग्लिश ऐप है और जो इंग्लिश सिखाता है, उसका जो है यहाँ पे प्रमोशन किया है, लेकिन आप देख लीजिए इसका ऐप का प्रमोशन जो है डब्बा पिछले 3 सालों से कर रही है। डब्बा की इंग्लिश कितनी इंप्रूव होगी आप सबको पता है। और भाई मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं जो कि इनको इस तरह के प्रमोशन दे देते हैं, ये देखना जरूरी है कि किस प्रमोशन के लिए कौन आदमी उपयुक्त है, किसको देना चाहिए प्रमोशन के लिए, क्योंकि ये जरूरी है कि अगर उसको इंग्लिश आती ही ना हो और उसी से आप ये वाला ऐड करवा दें तो लोग जो है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका मजाक उड़ाएंगे, अरे इसने सीख ली इंग्लिश, इसको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। तो इस तरह से तुम्हारे ऐप की बदनामी ही होती है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे भी यही था कि वो चाहे ऐप का प्रमोशन करें, चाहे कपड़ों का प्रमोशन करें, या फिर किसी और कॉमोडिटीज़ का करें, कॉस्मेटिक्स का करें, जो बहुत ज़्यादा ये लोग करते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए ये सब करने के बाद में, और व्लॉग बनाने के लिए आपको नए नए पैक बना के लगा कर दिखाने के साथ साथ भी ये लोग झूठीस जाते हैं और बाकी के फेस ट्रीटमेंट कराते हैं। प्रोडक्ट प्रमोशन इनको पैसा कमाने के लिए चाहिए, और जो आपको ये लेप वगैरह तरह तरह के पैक लगा के ये जो दिखाते हैं ना, वो अपने आप को रिलेट करने के लिए दिखाते हैं, देखो भी देखो हमारी त्वचा ना इससे अच्छी हुई है, आप भी यूज़ करेंगे तो आपको ये अच्छी होगी, और आप जाके फिर जरूर कहेंगे ये मेरे को उसने बताया था। इनफैक्ट सारे काम तो निकालते हैं ये अपने पैसे के बूते पे, यानी कि जो आप पैसा इनको पकड़ाते हैं उसी को ये खर्च करते हैं, और ये साइकिल इस तरह से बढ़ता चला जाता है, आपके पास से निकल के पैसा उनकी तरफ को जाने लगता है। उसके लिए चाहे आप उनके व्यूज देख रहे हो या फिर जो है उनके बताए हुए प्रोडक्ट्स जो है ना वो खरीद रहे हो मार्केट में, उनके कोड लगा रहे हो, पर जो भी कुछ कर रहे हो पैसा तो आपके पास से उनके पास ट्रांसफर हो रहा है। तो मानिए इस बात को, इनके पास जो करोड़ों रुपया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा आप लोगों का भी है। लेकिन चलिए, आप एज ए इन्फ्लुएंसर उनको देखते हैं तो देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तो देखिए, लेकिन जब भी कुछ खरीदारी की, यानी आपका जो खून पसीने की कमाई है, जो आपकी बहुत ज्यादा मेहनत की कमाई है, जो आपके बच्चों के लिए है, उस कमाई को खर्च करने से पहले 4 बार सोचिए कि मुझे इसका लेना है या उसका लेना है, ऑनलाइन मार्केट पर जाना है या फिर ऑफलाइन मार्केट में जाके खुद सेलेक्ट करना है चीज़ों को। ये इन्फ्लुएंसर वो इन्फ्लुएंसर है जो एक बार अगर आपके पास में कोई गलत मटेरियल आ गया और आप इनकी कंप्लेन भी करेंगे तो वो आपको कोई लाभ पहुंचाने वाले नहीं है, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाले नहीं है, आपकी कोई भी हेल्प करने वाले नहीं है। कहीं इतने भक्त मत बन जाएगा कि इनके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर दें और उसके बाद में जब उसमें खराबी निकले तो आपको जो सिरदर्द हो, तो फिर ये देखें कि इन्होंने कौन सी गोली किस व्लॉग में रिकमेंड की थी, चलो वही गोली खा लेता हूँ। भाई इतना भक्त बिल्कुल मत बनिएगा। देखा जाए जो एक व्लॉग का भी काम नहीं था, दोनों ने एक एक व्लॉग बनाया और बता दिया कि भाई किस तरह से इनके जो काम की जो प्रिपरेशंस हैं वो किस तरह से चल रही हैं।
इसके अलावा ना तो आपको इस बिजनेस के बारे में इनसे कुछ सीखने को मिलेगा जो ये कुछ भी ये काम कर रहे हैं, और ना ही आपको इससे कोई और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ना ही कोई इसमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है। दोनों व्लॉग महाबकवास व्लॉग हैं, ये इनके काम हैं, इन्होंने पैसे कमाने हैं, तो इनको तो ये सब काम करना ही करना है। इन्होंने क्या किया है, कैमरा लेके घूम लिए और सारे के सारे जो काम कर रहे हैं वो उसको शूट कर लिए, यानी उसके BTS को शूट कर लिया और आपके सामने व्लॉग की तरह से परोस दिया है। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का और आगे देखते हैं कि ये क्या क्या और किस तरह से ड्रामेबाजी करने वाले हैं और कब इनकी ड्रेस लॉन्च होने वाली है। डेफिनेटली जो लॉन्चिंग करेंगे जैसा इन्होंने बताया सेप्टेम्बर में करेंगे ये, तभी सारे मायनों में पता लगेगा कि ये बिजनेस आगे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, और तभी हम अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू देंगे कि किस किस एंगल से इनके बिजनेस में प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन सी कमियां अगर ये दूर करें तो उसके बाद में इनका बिजनेस चल सकता है, एक ट्रू बिजनेस एनालिसिस उसके बाद ही देंगे। और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी इनको समझने में, इनके प्रोडक्ट को समझने में और अपने पैसे का सेव करने में, यानी बचत करने में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।